हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ संदीप कुमार और बेसिकली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर क्रिएटिंग अ वीडियो फॉर दिस करंट सिचुएशन. जैसे कि विदेश में इमरजेंसी के हालात हैं, बहुत सारे लोग जो हैं परेशान हैं इस नए वायरस की वजह से. तो जो लोग ये सोचते हैं कि ये बहुत ही छोटी चीज़ है, कुछ नहीं होगा, हम लोग बाहर वैकेशंस चल रहे हैं या फिर काम नहीं करना पड़ रहा है तो हम लोग कहीं आउटिंग्स पर चले जाते हैं या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं कि हमारा जो है मन बहले, तो ये वक्त मन बहलाने का नहीं है, ये वक्त है अपनी अकल और समझदारी दिखाने का. क्योंकि देश में काफ़ी बुरे हाल हैं अभी, जिस तरह से कोरोना वायरस एंटर हो चुका है और सबको पता है कि बड़ी बड़ी महाशक्तियों के पास भी इसका अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है या इसके लिए कोई क्योर नहीं मिला है अभी तक गवर्नमेंट को, किसी भी गवर्नमेंट को. इटली में जैसे आए दिन हमारे पास न्यूज़ आ रही है कि वहाँ पर रोज़ 600 लोग 650 लोग मर रहे हैं. तो ये जो परिस्थिति है वो हमारे देश में ना पैदा हो, इसके लिए आप लोगों का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है. देखा जाए जिन बड़े जगहों पे ये फैला है वहाँ के लोग हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनका सोर्स ऑफ लर्निंग हमसे ज़्यादा है, वो काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये महामारी फैल चुकी है. उन लोगों के पास भी अगर इसका कोई क्योर नहीं है और वो लोग भी इससे नहीं निपट सक रहे, तो वी आर इन इंडिया जिसकी मेडिकल कंडीशन वी स्टैंड एट 155th रैंक. तो यहाँ इतनी अच्छी कंडीशंस भी नहीं है कि हम लोग इसको क्योर कर पाए या फिर हम लोग इसके सामने खड़े होकर लड़ पाए. तो इट कैन बी मोर हार्मफुल अगर हमने इसको ध्यान नहीं रखा. तो जितना हो सके बाहर जाना अवॉइड करें या फिर किसी से अगर कुछ इमरजेंसी काम है तो यू कैन कीप योर सैनिटाइजर विथ यू, यू कैन कवर योर माउथ विद द मास्क और बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें. अगर आप बाहर जाके आ रहे हैं तो जस्ट वॉश योर हैंड फॉर 20 सेकेंड्स एटलीस्ट. तो छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो इससे ना सिर्फ आप सेफ रह सकते हैं बल्कि आप अपने परिवार को सेफ रख सकते हैं, अपने आसपास की सोसाइटी को सेफ रख सकते हैं, फिर अपने जो शहर या गांव है उसको सेफ रख सकते हैं और अपने ज़िले को सेफ रख सकते हैं और साथ ही साथ अपने देश को सेफ रख सकते हैं. तो ये आपकी एक मॉरल ड्यूटी में आता है कि आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझें टाइम पे और लोगों को भी इसके बारे में अवेयर करें कि जो बीमारी चल रही है, जो लोग नहीं जानते इसके बारे में प्रॉपरली, तो उनको भी इसके बारे में बताएं कि किस तरह से इसे बचा जा सकता है. ये डरने या पैनिक होने का टाइम नहीं है, ये टाइम है जागरूक होने का. थैंक यू सो मच.